अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं शुरू कर रही थी सफ़ा की बर्थडे है तो उसकी डेकोरेशन से। हमारा थीम है डेजी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक पतला सा पेपर लूँगी और उस तरह इस तरह से फ्लावर के ऊपर रखूँगी और उसको फ्लावर को शेप दे के पेंसिल से, और उसके बाद मैं उसकी कटिंग कर लूँगी। आपने भी जब कभी कोई कटिंग करनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट की या किसी अल्फ़ाबेट की, तो वो पता है हाथ से लिखना थोड़ा टफ होता है, तो आप क्या किया करें, एक गूगल इमेज खोला करें, उसको जूम इन किया करें और उसके बाद उसको और ये भी मेरे छोटे छोटे प्रॉप्स हैं जो कि कपकेक्स मैंने रखने हैं, उसके ऊपर मैंने छोटी टूथपिक लगा के और उसके बाद इसको मैंने ये छोटे छोटे से प्रॉप्स बना लिए। और ये बड़ी प्यारी सी जो है वो डेजी जो है वो तैयार हो गए थे। ये सिक्स हैं, मैंने सोचा कोई किसी पे और कोई किसी पे जो मैं वो लगा दूँगी और एक प्यारा सा सेटअप जो है वो हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक खाली जार था, मतलब मिल्क शेक वाले जो मग्स होते हैं, तो मैंने क्या किया कि सफ़ा के थीम के मुताबिक, ऑफ कोर्स उसका थीम जो है वो येलो एंड वाइट है, तो ये मेरे पास थोड़ा से ऐसी क्रे पेपर्स और चार्ट के कुछ बची हुई चीज़ें थी, तो मैंने इसको यूं फिल कर दिया और उसके बाद मैंने कुछ बनाए हुए हैं प्रॉप्स। तो जो प्रॉप्स हैं वो मैं इसके अंदर जो है वो फिक्स कर दूंगी। रुके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हैं वो प्रॉप्स जो मैंने, ये देखे हैं सफ़ा के थीम के मुताबिक डेजी, और मुझे खाली वाइट एंड वो लग रहा था, थोड़ा फीका फीका लग रहा था, तो मैंने बीच में जो है वो थोड़ा सा येलो को भी ऐड कर दिया है और साथ में मैंने ये एक प्रॉप जो है वो टू का बना लिया। ये देखें, मैंने इसको पीछे जो है वो टेप के साथ अटैच कर दिया शाशलिक स्टिक को। तो अब हम बस इसमें जो है वो इसको सेट कर देंगे। तो ये जो है मैंने प्रॉप्स को इसमें जार में ऐड कर दिया है। देखिए नीचे बस जो फालतू चार्ट और क्रे पेपर की चीज़ें बची थी वो, और ये बस स्टेप्स पे मैंने फ्लावर्स बना के डेजी थीम के मुताबिक मैंने इसको बस थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, और ये हमारा प्यारा सा जो है वो जार जो है वो तैयार हो गया है। क्योंकि डेजी थीम की चीज़ें मिलना जो था वो बहुत ही मुश्किल हुआ था, मैं तो ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई हूँ हर जगह ना। तो मैंने क्या किया कि ये सफ़ा की पेंट्स थी वाइट में, वाइट फ्लावर्स थे, ये देखें। तो मैंने क्या किया, उसको वाइट फ्लावर्स को मैंने दरमियान दरमियान से उखेड़ा और उसके बाद मैंने उसकी जगह पे पेपर से जो था मैंने अंदर उसको जो है वो क्रे पेपर को फिक्स कर दिया, और ये हमारे प्यारे से जो है डेजी क्लिप्स जो है वो तैयार हो गई। ये देखें, तो ये क्लिप्स हैं उसकी, और ये सुबह सफ़ा जो अपने वाइट फ्रॉक के साथ पहन रहा हूँ, तो हमेशा मिसहैप्स तो होते ही होते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई मिसहैप ना हो। तो मैं ये लाई थी सफ़ा के लिए अपनी तरफ से येलो एंड गोल्डन, उसमें मैंने कहा था कि चलो मुझे ये बनाना ना पड़े, तो मैंने क्या किया, मैंने ये बाय कर लिया। और जब मैं ख़रीद के लाई हूँ तो मुझे पता लगा कि ये हर एक पे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे, HAPPY की जगह पे लिखा हुआ था सब पे हैप्पी बर्थडे। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बोरिंग सा लग रहा है और मैच भी नहीं कर रहा, तो मैंने क्या किया, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने, इसकी जो बैक साइड थी वो फुल वाइट थी, तो उसके ऊपर मैंने चार्ट से अल्फ़ाबेट्स काटे जिसके ऊपर मैंने लिखा आए आए, ये AM आई एम, और लिखना था साथ में लिखना था टू, तो टी को भी काटा और उसके बाद W को काटा और O की जगह पे मैंने ये फिर से फ्लावर बना लिया। तो ये बड़ा क्यूट सा एक DIY सा जो है वो तैयार हो गया था कि I am 2। ये है सफ़ा का आउटफिट जो कि ये वाइट हाईनेक के साथ पहनेगी, और वाइट एंड येलो यही है इसका ड्रेस, और ये है मेरा ड्रेस। ये जो मेरा ड्रेस है मैंने
इत्तेहाद से लिया हुआ है और बस मैच कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो ये पहन लेती हूँ। और उसके बाद ये हमारा सेटअप जो है तैयार हो गया। वाइट और येलो बैलून, वाइट हार्ट्स के बैलून थे, मतलब इनका साइज़ छोटा होता है। और उसके बाद मैंने इसको फिल करके बीच में येलो बैलून लगा के तो डेजी बना के तो अटैच कर दिया था। और उसके बाद ये हमारा क्यूट सा सेटअप जो है वो रेडी हो गया है। अगर आप गुजरात में हैं तो ये केक मैंने हाई क्लास से बनवाया था और बहुत प्यारा और क्यूट सा केक था, जैसा उनको दिया जाए बिल्कुल वैसा बना के देते हैं। तो उसके बाद ये देखें, वो डेजीज मैंने कपकेक्स में फिल कर दी और जितनी येलो चीज़ें थी खाने पीने की वो मैंने एज अ डेकोरेशन जो है वो रख दी थी। और ये हमारे थीम का डेजी केक। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। और मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपको ये बर्थडे डेकोर कैसा लगा। कम बजट में आप ज़्यादा सा अच्छा डेकोर जो है वो कर सकते हैं। तो मुझे और सफ़ा को दुआओं में याद रखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपने रिमार्क्स। एंड अल्लाह हाफ़िज़।